नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव अब्दुलपुर में 5 दिन पहले रात में एक युवक की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से पुलिस अज्ञात हत्यारोपी की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने 5 दिनों के बाद इस हत्या में शामिल मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया है। देखिए समाचार इंडिया की ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि हरकिशोर की पत्नी मुस्कान पार्टियों में नाच गाने का काम करती थी। एक शादी समारोह में प्रोग्राम के दौरान उसकी मुलाकात धामपुर के रहने वाले जुबैर नाम के एक युवक से हुई। जुबैर और मुस्कान के बीच प्रेम संबंध भी हो गया था, जिसको लेकर हरकिशोर और जुबैर की कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी को लेकर जुबैर ने हरकिशोर को मारने की ठान ली थी। 5 दिन पहले जुबैर अपने साथी इस्तखार के साथ बाइक से हरकिशोर के घर के पास पहुंचा और रात 10 बजे घर के बाहर आने पर हत्यारोपी ने हरकिशोर की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार। 5 दिन पहले हरकिशोर नामक एक व्यक्ति की घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल सवार हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में भाई द्वारा थाने पर FIR दर्ज करवाई थी। घटना का खुलासा करते हुए जुबैर और इस्तकार नाम के दोनों हथियारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। संज्ञान में आया है कि मृतक की पत्नी का संबंध हथियारे से था और पति को प्रेम संबंध के रास्ते से हटाने के लिए इस युवक ने उसको गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। पुलिस इनको अरेस्ट करके जेल भेज रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। सरकार इसमें जो पत्नी का गुण है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, उसमें जांच की जा रही है।